जीवन पाप गुना मन हमरे करेला एक दूसरे के प्रति और ईश्वर के प्रति सो के याद कर तुम्हें क्षमा मांगा जेकर से जेरा इसके प्रभु घोष न करेला उग्रोस ओ प्राइज कर हमरे मन एक दिन सदस्य हो के स्वर्ग राज के महिमा में प्रवेश करे परा हम सब मिलकर बोले हे प्रभु मैं सशक्त परमेश्वर है और अपन के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मंद चन क्रम से और अपना कर्तव्य बढ़ाने में से बार बार पाप किया है। मैं अपना दोष स्वीकार करता हूँ, इसलिए मैंने तुम्हें हमारे प्रेम से स्वस्थ दूतों सब संतों और अपन से परमेश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको आनंद जीवन प्रदान करे। आमीन। गण संख्या 88।
हे सर्वशक्तिमान पिता, हम दीनता पूर्वक तुझसे प्रार्थना करते हैं कि तू हर प्रकार के संकट से हमारी रक्षा कर, जिससे हम शारीरिक तथा आध्यात्मिक बंधनों से मुक्त होकर आनंद पूर्वक तेरी सेवा कर सके। या कृपा कर हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु मसीह के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगान युग जीते और राज्य करते जाएगा
और महादूत की वाणी तथा ईश्वर की तुराही सुनाई पड़ेगी, तो प्रभु स्वयं स्वर्ग से उतरेंगे। जो मसीह में विश्वास करते हुए मर गए वे पहले ही जी उठेंगे। इसके बाद हम जो उस समय तक जीवित रहेंगे उसके साथ बदलों में आरोपित कर लिए जाएंगे और आकाश में प्रभु से मिलेंगे। इस प्रकार हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। आप इन बातों की चर्चा करते हुए एक दूसरे को सांत्वना दिया करें। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। गाना नंबर 251। में
उपस्थित आरण्य पुरोहित भाई मान ब्रदर मान और सब अयोबा भाई बहन मान, नवंबर महीना में हमारे मान वृद्ध विश्वासी मन के विषय से ऐत करेला और वृद्ध विश्वासी मन हमारे मन के संदेश दे बिना कि हमारे हो एक दिन पृथ्वी से चल जा हमारे हो मोरा तो एक लगे वो मन विशेष तैयारी कर लगे हमारे सो मन के अच्छी करेना विशेष करके शांत मन हमारे मन के न्योता देवे तो मन के उदाहरण द्वारा हमारे मन के स्वर्ग राज में प्रवेश करे लगे। आज के पाठ में यह के बारे हमारे मन के विस्तृत रूप से और पूजन विधि में कर लगे तैयारी करे लगे न्योता देवे कि हमारे मूर्ख नहीं बना न समझ न बना कि जे न समझ बन अपन मृत्यु के सर्वनाश सोचेना और पुनरुत्थान मन होई के कि नी सोचेना और ये दुनियादारी चीज में मातम रहेना। तो कल के सन पौलुस आई दूसरा पाठ में तेसोलियन के नाम में वो हमरे मन के शिक्षा देना कि हमरे मन हो यीशु संगे पुनर्जीवित हुआ जे जी उठलाए जे विश्वास करेला उमर लगे मृत्यु एक नया जीवन के शुरुआत के और हमने मान यीशु संगे उकर महिमा में प्रवेश करा जे मन विश्वास करते हुए वही जाए और जे जीवित है करे उस सोब मान एक दिन जेकर प्रभु यीशु क्रिस्त इस दुनिया में महिमा के साथ आवाए हमने मान उकर संगे महिमान्वित हुआ। तो संत पौलुस इकर बारे चिंता करे लगे कहते इकर पे ध्यान करा जेकर से तोहरे मन परीक्षा में और एक बेर न गिर के एक दिन स्वर्ग रह जाए नहीं पारवा इस बात के यही करा और तो कर लगे तैयारी करे लगे। तो इकर बारे यीशु ख्रीस्त और हमारे मन के शिक्षा हुए हमारे संत पौलुस कहे हमारे मन के विश्वास करें और इकर लगे मन चिंतन करें। तो यीशु ख्रीस्त विस्तृत रूप से और उदाहरण देके हमारे मन के कहना के तैयारी हो और के तैयारी नहीं हो कहते दुई प्रकार के स्त्री मन के जनाना मन के उदाहरण देवे के मन समझ रहा है के मन न समझ रहा है के मन ज्ञानी रहा है के मन मूर्ख रहा है और कहना ज्ञानी मन अपन जीवन के बत्ती लेके वो मन उतर लगीन तेल लेके जाए प्रतीक्षा करें और न समझ मन अपन संगे तेल के ले जाए और बत्ती अपन के लेके जाए रौरे मन जरे बिना तेल में बत्ती नहीं जरेगा बुझ जाएगा। तो बत्ती जरक लगे हमारे मन के तेल की जरूरत है और बिना तेल में हमारे मन बत्ती के बगरा समय जरक नहीं पड़ा तनिक समय ज्वली लेकिन पूरा समय जरक नहीं पाई। तो हमारे जीवन के बत्ती जलाए के हमारे मन के स्वर्ग राज जा गए प्रतीक्षा करें जेकर से हमारे मान हमारे ज्योति के संतान हुआ वो ज्योति के राइज के संतान हुआ हमारे मन कोलोसी मन के पढ़ी जहां हमारे मन अध्याय एक पद संख्या 12 से हमारे मन 14 तक पढ़ा हुआ लिखा गया ईश्वर ने हमारे मन के अपन बेटा के द्वारा ज्योति के राइज में ले गया अंधकार के राइज से निकाल कर ईश्वर के ज्योति के राइज में और वो संतों के सहभागी बनाए गए। तो हमारे बुलावा है कि ज्योति के संतान को ज्योति बने लगे पहला तेसलोनियन अध्याय 5 पद संख्या 5 में पढ़ा हमने ज्योति के संतान की अंधकार के ना लगे उकर दीन के व्यक्ति अंधकार के नहीं। तो इसे करके संत पौलुस हमारे मन के हो गए ज्योति के संतान हमारे जीवन के ज्योति के जलाए और यीशु हमारे मन के कहे मत्ती के सुसमाचार में अध्याय हमारे मन पढ़ा 5 पद संख्या 13 से पढ़ा 16 तक में विशेष करके हमारे मन के नमक और ज्योति बने लगे और ज्योति कहे तोहरे मन जगत के ज्योति है का। तो जेखन ज्योति कहे परमेश्वर ज्योति कहां से पावा ज्योति कैसे जले यदि हमारे मन पापी है क्यों ज्योति कैसे जले कर बारे कहे हमारे मन के तेल रखे गए जीवन तेल जेखन ज्योति जलाए और तेल कहा ईश्वर के वचन जैसे कि हमारे मन स्तोत्र ग्रंथ में पढ़े अध्याय 119 पद संख्या 105 में
कि ईश्वर के वचन हमारे मन के अपन हमारे जीवन के डहार में ज्योति देखा है। उसने ही यूहन के सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 4 से पढ़ी हमारे मन ज्योति तक मैं हुआ विस्तृत रूप से कि वो ईश्वर के शब्द जीवन रहे वो ज्योति रहे जे अंधकार में चमचिकेला जे अंधकार वो ही ज्योति संसार में आवैया रहला लेकिन इस संसार भी चिल्ला कहे शब्द दे धारण करला यीशु क्रिस्त के बारे ज्योति पर के कहना और ये ज्योति करे हमरे मन ग्रहण कर ले हमने खुद ज्योति माय ले जेगा जे के हमरे मन पढ़ेला यीशु क्रिस्त खुद कहेला संसार के ज्योति मायने को यूहन के सुसमाचार अध्याय 8 संख्या 12 में कहे संसार के ज्योति मायने को जे बके अनुसरण करेला वो के जो अंधकार में नहीं भटकेला लेकिन उके जीवन के ज्योति प्राप्त होए यानी कि यीशु क्रिस्त के अनुसरण करे में हमरे मन के जीवन के ज्योति प्राप्त होए यीशु क्रिस्त के बिना नहीं। तो आई हमरे मन के यदि ज्योति बने कहे ज्योति जला कहे हमरे मन में जीवन के जगत के ज्योति हुआ बोले हमने ईश्वर के शब्द के हमरे मन के ग्रहण करे और ईश्वर के शब्द हमारे जीवन में कार्य करी होए तब ज्योति है। ओकर पछे ये तेल के रबौर का मतलब है तेल के मतलब ये हो है कि पवित्र आत्मा के शक्ति हमारे जीवन में रही ओकर लगे जे पुराना नियम में देखी जेकर अभिषेक करत रहे तेल के व्यवहार करत रहे अभिषेक लगे फॉर कंसेक्रेशन अनॉइंटिंग तो ये पवित्र आत्मा के द्वारा अभ्यंजन हो जाएगा पवित्रीकृत किया जाएगा और पवित्र हो जाएगा। तो तेल का मतलब पवित्र जीवन जिए ईश्वरीय जीवन जिए पवित्र आत्मा के द्वारा जीवन जिए तो ये ज्योति जली। तीसरी बात ईश्वर के उपस्थिति के द्वारा हम जीवन के जल पति के जलाए जैसे कि ईश्वर का है हमने मन पढ़ा पहला यूहन में अध्याय 1 पद संख्या 5 में जले ईश्वर ज्योति है काय और जो ईश्वर के पास जाए वो ज्योति में चलेला निहोने वाले का में भटके रहा तो ईश्वर के पास उपस्थिति में रहा बोले हम जीवन के ज्योति जला। तो उसने ये भले कार्य हम जीवन में हमने के आगे बढ़े लगे हमने भले कार्य करते रहा जेकर से दूसरा मान हमर कार्य के दबाई और ईश्वर के महिमा कर पाई लेकिन हमर वाले कार्य नहीं करके ईश्वर के महिमा करना हमरे मन पड़े यूहन के सुसमाचार अध्याय 3 पद संख्या 16 से 20 तक में 19 में कहे कि ज्योति संसार में आया लेकिन बहुत मन इस ज्योति के ग्रहण नहीं कर रहा है कारण कि वो मन अंधकार की भेष पलाए कारण कि वो जे ज्योति के पास से काल के आ रहा है कि वो मन के जीवन बुराई से भरा रहे लेकिन जे मन ज्योति के पास से आवे को मन के भले कार्य दूसर न देखा कारण कि उनके कार्य अच्छा है। तो उदाहरण स्वरूप जे मन के भले कार्य के तो ईश्वर के महिमा कर पाए तो कह लगे हमने मन भले कार्य करा तो ईश्वर के महिमा ईश्वर के उपस्थिति के द्वारा हम जीवन वो अलौकिक करेगा जीव बती जलेगा जेकर से दूसर मन हमर भले कार्य के देखे के ईश्वर के उपस्थिति के देखे पर पाए। तो आई हमने मन के स्वर्ग जाए गए होले ई सो प्रोविजन जे हमके दरकार है जीवन के जलक और प्रतीक्षा करे ऐसे रात्रि में कहे कि तोहरे मन ई स्वर्ग जाए जग लगे तोहरे मन जगते रहा प्रार्थना करते रहा ई दो उदाहरण के देखे एक तो जे मन बत्ती जलाए तेल लेके जाए पर बत्ती लेके प्रतीक्षा करे और तैयारी हो गई उसने तैयारी हो और तैयारी नहीं हो तो इकर लगे हमरे मन के जगते रहे किस तैयारी होए तो कर लगे हमरे मन के सुसमाचार के आखिर में प्रभु यीशु क्रिस्त का है बहुत तरीका भरे हमरे मन के संत पौलुस को कहे पहला तो सोलह नियन अध्याय 5 पद से कहे 1 से 4 पढ़ा तो हर मन जगते रहा और प्रार्थना करते रहा जैसे कि तो हर मन नहीं जरा कौन घड़ी तो हर लगे तो हर जीवन में कि तो हर घड़ी चोर आवी चोर के जैसे तो हर मन के समय आवी जेखनी दुनिया से जाकर मानव पुत्र उ दिन आवे तो हर मन जेखन नहीं जाने तो रहा। उसने ऐसा मार्कुस के सुसमाचार में पढ़ा अध्याय 13 पद से 33 में हमरे मन के इस संकट के समय आवे या है आखरी के समय में जेखन ई सो घटना घटी लेकिन ई अचानक घटी तो जेखन लगे तोहरे मन तैयार हो और प्रार्थना करते रहा न्योने तोहरे मन इका लगे तो मैं तैयार ही रहा और तोहरे मन के स्वर्ग जाए पर बात नहीं। और यीशु क्रिस्त और कहना अध्याय लूकास के सुसमाचार 21 पद संख्या 36 में कहना प्रार्थना करते रहो जगते रहो तो इका लगे ना हमरे मन के जगते रहे और ईश्वर के राज्य के खोजते रहे मूर्ता के नहीं
हमने मन के ज्ञानी माने जाए क्योंकि पहला पार्ट में विजडम लिटरेचर जगह का ही प्रज्ञा ग्रंथ में हमने मन के काल जल जाए कि ऐसे करके यदि हमने मन प्रज्ञा गुणा योगी हमने मन के यदि ईश्वर के ज्ञान के ईश्वर के प्रज्ञा जे हमने मन के ईश्वर के खोजे के लगे ना हमने मन के शिक्षा देवे भले हमने जरूर पावा जे मित्र रूप में मनन करे जी करके खोजे वो पावेगा तो हमने मन के खोजा हमारे जीवन के हृदय में जी कोना है डिजायर लव हमर प्रेम और जेके हमने मन खोजी ला उके पावी ला तो इस वर का है प्रज्ञा के खोजा जेके तोहरे मन के डहार दिखाई और प्रज्ञा के सिर खोजा सब प्रथम फियर ऑफ द लॉर्ड इज द बिगिनिंग ऑफ द विजडम का है यीशु क्रिस्त पर ईश्वर के प्रति श्रद्धा हमार लगी प्रज्ञा के स्रोत के मूल स्रोत के हमने मन सुक्ति ग्रंथ में पढ़ा अध्याय 1 पद से 7 में और अध्याय 9 पद से 10 में कह श्रद्धा ईश्वर प्रति भय भक्ति और श्रद्धा हमारे ज्ञान में बढ़ा ज्ञान के मूल है के और यह के द्वारा हमने मन ज्ञान प्राप्त करा भी होले हमारे मन ज्ञान प्राप्त नहीं करा करके ये ज्ञान परमेश्वर से आवेला जितना तक परमेश्वर के श्रद्धा नहीं दवा हमारे ज्ञान अर्जन नहीं करे प्राप्त करके ये ज्ञान सच्चाई के ज्ञान की और दूसरा ज्ञान की दुनिया के ज्ञान और दूसरा दुनिया के चतुराई वो हमारे मन के डिस्ट्रक्शन बटे लगे जेके हमारे मन दूसरा भी जगह में पड़े जेके हमरे मन के मृत्यु के बारे ले जाए कि दुनिया में हमरे मन के समाय देवे तो चलो आइस करिए जीवन में हमरे मन प्रभु यीशु क्राइस्ट हमरे मन के किस जीवन के ज्योति जलक लगे हमरे मन के 5 अध्याय मत्तयू के पद से क्या हमरे मन के विशेष करिए 2 से 12 तक में कहे कि तोहरे मन दीनहीन बना दयालु बना करुणा बना तोहरे मन शोक ईश्वर के राइज कर खुजाई नहीं करा तोरे मन निष्कलंक बना निर्मल बना तोरे मन एक दूसरे मेल मिलाप करा तोरे मन ईश्वर के राइज लगे दुख तकलीफ सहे लगे ये जो भी चाहबा पर तोरे जगत के ज्योति है का करके ये क्या कर का है के पछि यीशु कराए तोरे मन जगत के ज्योति है का तोरे यदि ई जीवन के जिया करे और संत पौलुस के बारे एक नया स्वभाव के बारे का है हमरे मन के पहला कोलोसियन अध्याय 3 पद से 12 में कहे इस स्वभाव मन के देर जे ज्योति के स्वभाव के ईश्वर के गुण के स्वभाव के जेके हमरे करब स्वभाव के हमरे मन जीवन में धारण करा नया वस्त्र जैसे पहले हमरे मन जीवन के ज्योति प्राप्त करे परा और हमरे मन के जीवन में आगे बढ़े ईश्वर के राज लगे तैयारी करे लगे हमरे मन के सहायता करे तो आज ई सामान्य रविवार के 33वां रविवार ने 32वां रविवार में हमरे मन के न्योता देवे कि हमरे मन तैयारी करब स्वर्ग राज के तैयारी करे लगे हमरे मन के ईश्वर के राइज के रूप में विश्वास करे और हमारे जीवन में तैयारी के स्वर जीवन के बत्ती के जलाए और जे बत्ती जलाए लगे उ तेल के जरूरत उ तेल के विशेष करके हमरे मन के जीवन जे प्रभु यीशु क्राइस्ट के द्वारा पवित्र आत्मा के द्वारा भले कार्य के द्वारा और स्वभाव के द्वारा हमरे मन के मिल रहे हैं विश्वास की घोषणा करा प्रेतों का धर्म सर सारी जगत में फैली कलीसिया के चरवाहे संत पिता फ्रांसिस धर्मदत्त किशोर और अल्फोंस और सभी धर्मदत्तों और पुरोहितगण अपने भेड़ों के लिए अपना जीवन संपूर्ण रूप से समर्पित करें और इस प्रजा की आत्मिक भलाई के लिए लगन के साथ काम करें इसके लिए हम निवेदन करें हे पिता हमारे प्रार्थना सुन ईश्वर हमारे राष्ट्र के नेताओं अध्यक्षों और सरकारी कर्मचारियों में सेवा भाव भर दे
कि वे जानदार की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ईमानदारी से कार्य करें, इसके लिए हम निवेदन करें। हे पिता हमारे प्रार्थना सुन। जो लोग शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक कष्ट से पीड़ित हैं, वे उसे सहने की शक्ति प्राप्त करें और दुख का महत्व समझें। वे यह भी समझ सकें कि वे प्रभु यीशु क्रिस्त के साथ सारी दुनिया के पापों के प्रायश्चित करते हैं, इसके लिए हम निवेदन करें। हे पिता हमारे प्रार्थना सुन। सब लोग ईश्वर के दर्शन की इच्छा रखें और उसके लिए अपने को तैयार करें, इसके लिए हम निवेदन करें। हे पिता हमारे प्रार्थना सुन। चलो आज के मतलब मन के हमरे मन याद करा और हमारे निजी प्राची अभिप्राय विनती प्रार्थना है उसको मन को याद करते हुए हमारे विनती मन के परमेश्वर जी चढ़ा। हे प्रभु हमें पास का रहस्य की कृपा दानों से वर दे। यह स्वर्ग की गोजर उचित रीति से ग्रहण करने के लिए हमें शुद्ध कर कि हम पुनर्जीवित क्रिस्त के साथ एक नया जीवन पथ अपना सकें, उन्हीं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। गीत नंबर 309। लगाइए। आमीन।
हम सदा सर्वत्र तुझे धन्यवाद दे। तूने दया से प्रेरित होकर संसार को इतना प्यार किया कि हमारे लिए ऐसा मुक्तिदाता भेजा जो पाप को छोड़ हमारे सदृश मनुष्य जीवन बिता सके, और जिन बातों से वे तुझे प्रसन्न करते थे उन्हीं को तू हम लोगों में भी देखकर प्रसन्न होता रहे। तेरे पुत्र की आज्ञाकारिता द्वारा हमने उन वरदानों को फिर से पा लिया है जिन्हें अज्ञा भंग द्वारा पहले खो दिया था। इसलिए हे प्रभु, हम समस्त दूतों और संतों के साथ तेरा गुणगान करते हुए निरंतर एक स्वर से गाते हैं। गाना संख्या 350। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इससे लो और पियो, यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और आनंद व्यवस्थान कर जो तुम्हारे और बहुतों के पापों के क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरे स्मृति में या क्या करो।
हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने समूह उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारे नम्र निवेदन है कि हम सब जो क्रीस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। प्रभु और हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्मदेश किशोर और अल्फोंस और सभी आजकों के साथ विश्व में फैली अपनी कलीसिया की सुधीले तथा इसे प्रेम में स्थित बना दें। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों को भी सुधीले जो पुनर्थन की आशा में परलोक से धर चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर। हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी आनंद जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, उनके शुद्ध वचन जोसेफ, प्रेरितगण और सभी संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वास सेवक सभी के बने रहे, तेरा स्तुति गान कर सके तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु क्रिस्त के द्वारा जाते हैं। हे प्रभु, मैं तुझे योग्य नहीं हूं, कृपया
पवित्र संस्कार के भेष समय आत्मिक परम प्रसाद प्रणाम यीशु, मैं तुझसे भेंट करने आया हूँ। मैं सारे हृदय से विश्वास करता हूँ कि तू वेदी के पवित्र संस्कार में उपस्थित है। मैं तुझे सबसे अधिक प्यार करता हूँ। मैं अपनी आत्मा में तुझे ग्रहण करना चाहता था, पर हे यीशु, मैं अभी परम प्रसाद ग्रहण नहीं कर सकता हूँ। हे यीशु, आत्मिक रीति से मेरे हृदय में आ, यह मेरी अभिलाषा है। हे यीशु, मैं तेरी आराधना करता हूँ, मुझे तुझसे अलग होने ना दे। आमीन। गण संख्या 551Z। प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी प्रकार की कमी नहीं है। वह मुझे हरे भरे मैदान में बैठाता है और मुझे विश्राम के लिए जल के निकट ले जाता है। हम प्रार्थना जिन्होंने तुझसे दिव्य सामर्थ पाया है, वे पवित्र आत्मा के वरदान से अंत तक विश्वस्त बने रहें। यह हमारी विनती है हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। उज्जन पिधिर पद्धति के समय के आखिरी समय में पहुंचा थी। आज 32वां अटवार, उकर पछे 33वां अटवार, उकर पछे 34वां अटवार, 34वां अटवार में हमरे मन क्रिस राजा पर बनाएगा। इस समय में हमरे मन के विशेष कलिसिया अर्ज करेला, हमरे मन के हम जीवन के आखिरी बटे देखे लगी और स्वर्ग राज के खुजाई करके लगे
और ईश्वर के महिमामय राज के रूप में ध्यान करे लगी तो रौरे मन से मोय अर्जी करण ई कृपा के समय के और विनती के समय प्रतीक्षा के समय तैयारी के समय और खुशी और आनंद मना के समय ईश्वर के राज के लगीन और यीशु क्राइस्ट के महाराजा लेकिन स्वीकार करे लगीन। तो चलो इका लगीन इस समय में हमरे मन अपने आप के तैयारी करा विनती करते रहा हमरे मन के सरकार गिरजाघर यानी कि धार्मिक अनुष्ठान मन खोलेक लगे परमिशन दे लेकिन हमरे मन खोलेक नहीं पैरी करण की स्थानीय प्रशासन हमरे मन के एकांत तक अनुमति नहीं दे हमरे मन प्रशासन से अर्जी कही लिखित हिसाब से परमिशन लगे लेकिन एकांत तक न जाए देवे जे खान हमरे मन के प्रशासन लिखित हिसाब से अनुमति देवी हमरे मन शुरू करा हमार गिरजा घर में धार्मिक कार्य के अनुष्ठान करे लगे विनती प्रार्थना करे लगे तो जितना तक परमिशन नहीं भेटायला रौरे मन से अर्जी आहे कि रौरे मन यूट्यूब के द्वारा रौरे मन हमारा निस्सा पूजा विनती प्रार्थना में भाग ले जा नहीं होले अपन अपन घरे विनती प्रार्थना करते रहा विनती करा कि हमरे मन के सरकार स्थानीय प्रशासन हमरे मन के परमिशन देवी और शीघ्र हमारे गिरजाघर मन के खोले परा सो मन के हमारे ओर से जय यीशु जय यीशु। प्रभु आप लोगों के साथ हो पुत्र और पावन आत्मा।
प्रार्थना करम पापियों के लिए।